दशहरे का त्यौहार हर साल बुराई पर सत्य की जीत के लिए मनाया जाता है। देश के हर कोने में इसे अपने अंदाज से सेलिब्रेट किया जाता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसा गांव है जहां पर लोग दशहरे से 6 महीने पहले ही रावण के पुतले की नाक काटकर उसका अंत कर देते हैं। इस गांव में शारदीय नवरात्रि के बजाय गर्मियों में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि में रावण के अंत की परंपरा है। यहां का दशहरा एक और वजह से भी बहुत खास है, क्योंकि यहां हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। रतलाम से करीब 60 किलोमीटर दूर चिकलाना गांव में इस परंपरा को लोग सदियों से निभाते आ रहे हैं। इस गांव के लोगों ने बताया कि चैत्र नवरात्रि की यह परंपरा पुरखों के जमाने से निभाई जा रही है। इसके तहत गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति भाले से रावण की मूर्ति की नाक पर वार कर इसे सांकेतिक रूप से काट देता है। बता दें कि करीब 3,500 की आबादी वाला चिकलाना गांव हिंदू बहुल क्षेत्र है, लेकिन यह बात इसे अन्य स्थानों से अलग करती है कि चैत्र नवरात्रि के अगले दिन रावण की नाक काटने की परंपरा में गाँव का मुस्लिम समुदाय भी पूरे उत्साह के साथ मददगार बनता है। चिकलाना के उप सरपंच पीर मोहम्मद मंसूरी बताते हैं कि इस परंपरा में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान मुस्लिम समुदाय भी आयोजकों की हर मुमकिन मदद करता है और पूरे गांव में त्योहार का माहौल होता है। इस वर्ष मुस्लिम समाज का समिति द्वारा सम्मान भी किया गया। हमारे गांव में पहले इस परंपरा के लिए हर साल रावण का मिट्टी का पुतला बनाया जाता था, लेकिन 3 वर्ष पहले हमने करीब 15 फुट ऊंची स्थायी मूर्ति बनवा दी है, जिसमें 10 सिरों वाला रावण सिंहासन पर बैठा नजर आता है। चैत्र नवरात्रि में निभाई जाने वाली चिकलिया गांव की यह रावण के नाक काटी जाने की परंपरा बहुत अनूठी है और निराली है, जिसे देखने अब न सिर्फ रतलाम जिले बल्कि अन्य जिलों से भी लोग आते हैं। ये संदेश ये है सर कि हमारे गाँव की परम्परा चली आ रही, क्या मालूम कितने वर्षों से चली आ रही, और हिंदू मुस्लिम सब साथ मिल के हम मनाते आ रहे, और पहली बार हमारा सम्मान किया मेला कमेटी के अध्यक्ष अपने नारायण सिंह जी चंद्रावत, सरपंच साहब गट्टू सिंह जी चंद्रावत और ही गांव के हमारे वरिष्ठ सभी समाज के, पहली बार पीर मोहम्मद मंसूरी। ये रावण अधर्म अनीति और अत्याचार का प्रतीक था, और ऐसे में अधर्म अति और अनाचार का नाश करना ये हम सब का दायित्व बनता है, और रावण ने कुकर्म किया है इसलिए उसका नाक काट कर हम वध करते हैं, मारते नहीं। क्योंकि वर्तमान समय में जो हमारे देश में एक सामाजिक सद्भावना का एक जहर घुलता दिख रहा है, और विदेशी आकांक्षाएँ विदेशी कुछ नीतियाँ लोगों को सामाजिक सद्भावना के और देशता का जो काम कर रही है, ऐसे में राम जी को जीवन को समझने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि राम जी का जी राम एक शब्द नहीं, राम एक संस्कृति है। राम समता और सद्भावना की मिसाल मैंने जिक्र किया है कि जरदाद खान पठान और पीर मोहम्मद मंसूरी, जो इनका जो हमने सम्मान किया है, ये सम्मान इसलिए किया है कि धर्म और मजहब कोई भी झगड़ना या लड़ना नहीं सिखाता है। श्री राजपूत नवयुवक मंडल न्यास एवं महिला मंडल रतलाम के तत्वावधान में राजपूत समाज का 23वां सामूहिक विवाह समारोह राजपूत धर्मशाला भवन हाथीखाना रतलाम पर संपन्न हुआ। प्रातः 9:30 बजे वर पक्ष का चल समारोह श्री अनंत नारायण मंदिर कोठारीवास से प्रारंभ हुआ, जो दौलतगंज डालूमोती बाजार नाहरपुरा कॉलेज रोड नगर निगम होते हुए राजपूत धर्मशाला भवन हाथीखाना पर पहुँचा। मार्ग में चल समारोह का जगह जगह समाजजनों द्वारा स्वागत भी किया गया। चल समारोह में 8 दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर एवं माता तुलसी एवं लड्डू गोपाल बग्घी में मुख्य यजमान की गोद में विराजित थे। धर्मशाला भवन पर चल समारोह के पहुंचने पर वधु पक्ष के परिवारों द्वारा वर पक्ष की अगवानी की गई। तत्पश्चात वैदिक रीति से शुभ लग्न संस्कार सम्पन्न किया गया। संगठन की ओर से वर एवं वधु को घर में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। शुभ लग्न संस्कार के पश्चात समिति द्वारा वर एवं वधु को विवाह प्रमाण पत्र संगठन की ओर से प्रदान किए गए। इस अवसर पर नव वर वधु के साथ ही उपस्थित समाजजनों को आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मत का सदुपयोग करने की शपथ संगठन के पदाधिकारी द्वारा दिलाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन एवं महिला मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे। उक्त जानकारी समाज अध्यक्ष द्वारा दी गई। Thank you.
लोकसभा निर्वाचन अवधि में लागू आचार संहिता के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम के निर्देशानुसार और सहायक आयुक्त आबकारी डॉक्टर शादाब अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा विक्रय संग्रहण और उत्पादन के विरुद्ध आज 19 अप्रैल को रतलाम जिले के व्रत रतलाम ब के आबकारी अमले द्वारा व्रत स्थित ग्राम घोड़ाखेड़ा में तालाब किनारे दो स्थानों से 400-400 ग्राम महुआ लहान कुल 800 ग्राम महुआ लहान जब्त कर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध दो प्रकरण कायम किए। ग्राम मथुरी में पूनम चंद पिता कैलाश पारगी के कब्जे से 12 बोतल बियर एवं 50 पाव देशी प्लेन मदिरा एवं व्रत के गौशाला रोड स्थित तुषार पिता राजेश टांक एवं ममता अशोक टांक के मकानों की तलाशी लेने पर अवैध मदिरा न मिलने पर दो खाली तलाशी पंचनामे बनाए गए। इस प्रकार कुल 7.8 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बियर 9 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन एवं 800 किलो महुआ लहान जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत तीन प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कुल जब्त मदिरा एवं लहान की कीमत 86,000 रुपये आकी गई। संपूर्ण कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक चेतन वेद, वंदना अग्रवाल, अशोक दवे, मीनाक्षी रेवाले, आबकारी आरक्षक भगवती लाल सोलंकी, संतोष नेका, वंशिया अहरे, रामचरण पवार, भावना खोड़े, विक्टोरिया डामर, पुष्पा मीणा का सराहनीय योगदान रहा। थाना आलोट पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना पर बड़ोद रोड देवनारायण गौशाला भोजाखेड़ी से आरोपी असलम पिता बाबू खान लखारा उम्र 33 साल निवासी बड़ा मालीपुरा जावरा व मोइन पिता कल्लुमेव मुसलमान उम्र 23 साल निवासी रतलामी गेट जावरा को NTPS एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए तलाशी लेते हुए 20 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिलने पर जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध थाना आलोट पर NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर PR प्राप्त कर फरार आरोपी सलमान लाला निवासी चाचरनी थाना डग जिला झालावाड़ राजस्थान की तलाश व आरोपियों से अवैध मादक बेचने वाले आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जाकर विवेचना की जा रही है।